चाचू हो, आपसे एक बात करनी थी। पता नहीं कब जान छुटेगी लोगों से। रोज कोई ना कोई दिमाग खराब करने आ जाता है। अब्बा बता रहे थे कि आप विरसा को लेने जाएंगे। चाचू मेरी रिक्वेस्ट है, आप अकेले मत जाइएगा, मुझे साथ लेके जाइए। क्यों चाचू इतने बदतमीज लोग हैं? वो वकार 2 मिनट नहीं लगाता, अपनी आंखें माथे पे चढ़ा लेता है। और मैंने सुना उसका बाप भी बहुत टेढ़ा आदमी है। देखा नहीं था शादी की रात कितना तमाशा किया था उन लोगों ने? उसी दिन उनकी औकात पता चल गई थी। मैं तो सोचता हूं कि काश उसी रोज बारात वापस चली जाती, मैं कम से कम इस रोज रोज के मरने से तो बच जाता। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं चाचू, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं तो बात खराब होने के बाद उसने कहा कि हक में ही नहीं था। ये कोई तरीका होता है चाचू? शरीफ खानदानों में ऐसा होता है? इतनी बदतमीजी, इतना हंगामा। खैर अब तो जो होना था वो हो गया, बस आपने ना किसी तरीके से विरसा को इस अजाब से निकालना है। मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, जब भी जाएंगे ना वहां पे अकेले नहीं जाएंगे, मुझे साथ लेके चलिए प्लीज। कोई नहीं जाएगा वहां। क्यों भाई, क्यों नहीं जाएंगे? हम कोई चोर डाकू हैं जो छुपते फिरे उनसे? विरसा ऐसा नहीं चाहती मंसूर, वो वहीं रहना चाहती है। जब वो ही नहीं चाहती तो हम उसकी जिंदगी में दखल अंदाजी क्यों करें? उसके जबरदस्ती के खैर ख्वाहों का ना उससे दूरी रहना चाहिए। तुम जाओ, मुझे जब वहां जाना होगा मैं तुम्हें जरूर साथ लेकर जाऊंगा। ठीक है चाचा। मंसूर आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है, मिर्सा पढ़ी लिखी समझदार लड़की है, उसे अपने मामला खुद से सुलझाने दीजिए। मुझे भी कोई शौक नहीं है वहां जाने का। सोचता हूं कि तुम्हारी बेटी अगर उस घर में अपनी इतनी बेइज्जती करवा सकती है तो अपने बाप की कितनी बेइज्जती करवाएगी। यही सोच सोच के कांप उठता हूं मैं, नहीं जाऊंगा वहां। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मामा इसमें दिमाग खराब वाली क्या बात है, वो मुझे पसंद करता है और मैं उसे, मेरा रिश्ता मांगने आना चाहता है, इसमें प्रॉब्लम ही क्या है? प्रॉब्लम? प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारे भाई की शादी बीच में लटकी हुई है और उसकी जबरदस्ती के घर में घुसी बीवी ने हजारों मसाइल खड़े कर रखे हैं, इसलिए फिलहाल ये सब भूल जाओ। मामा आप मेरे साथ ज्यादती कर रही हैं, भाई के मसलों की वजह से आप मुझे क्यों लटका रही हैं? बदतमीज, अपनी माँ से ऐसे बात करते हैं और वो भी अपनी शादी के बारे में? मुझे लगता है मेरे लाड प्यार ने तुम्हें ज्यादा ही बिगाड़ दिया। मामा आप मुझे बस ये बताएं मैं शाहिद और उसकी फैमिली को कब इनवाइट करूं? तुम्हें जरा भी एहसास नहीं है अपने भाई और बाप की परेशानी का? बिजनेस में प्रॉब्लम्स हैं और इस शादी के बाद तो वो दोनों इतने परेशान रहते हैं कि उनसे कोई भी बात करो तो काट के खाने को दौड़ते हैं। लेकिन मामा, आराम से मेरी बात सुनो। वकार को पता चलेगा कि यूनिवर्सिटी में तुम्हें कोई लड़का पसंद आ गया है तो शायद शायद वो रिएक्ट ना करे, लेकिन तुम्हारे बाबा, इसलिए बेहतर तो यही होगा कि हालात ठीक होने का इंतजार करो और उस लड़के से भी कहो चुप करके बैठे। जब तक इस घर में सुकून नहीं आ जाता तुम्हारी शादी के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता, समझी? अंधी हो, दिखाई नहीं देता, देख के चला करो।
I'm sorry, लेकिन तुम इतना गुस्से में क्यों? तुम तो कभी मुझसे ऐसे बात नहीं करती। हम सबकी जिंदगी में ना तुमने जबरदस्ती घुस के हम सबकी जिंदगियां बर्बाद कर दी हैं। चली जाओ यहाँ से। तो सुकून आए इस घर में। बड़ी आई पूछने वाली, गुस्से में क्यों हो? क्या हुआ है? कभी मुझसे ऐसे बात नहीं करती। अस्सलाम वालेकुम मम्मी, मैं हूँ विरसा। विरसा मेरी जान, कैसी हो तुम? मेरे तो कान तरस गए तुम्हारी आवाज सुनने के लिए। कैसी हो सकती हूँ? एक लड़की जिसे उसके ससुराल वाले इज्जत से ब्याह के घर न लाए हो, वो कैसी हो सकती है? तो बेटा नहीं जाना था ना तुम्हें वहां, क्यों गई तुम? अम्मी कम से कम आप तो ऐसी बात ना करें। अगर मैं नहीं आती तो उसके बाद अब्बा और ताया मुझे जिस जहन्नुम में धक्का देते, वहां तो मैं जिंदगी भर चैन का सांस नहीं ले सकती थी। फरमान भाई से शादी करने से बेहतर तो था कि मैं खुद को गले में फंदा डाल के मार दूं। अल्लाह ना करे बेटा, ऐसा मत को ये जान मार लेने की बातें ना आईना मत करना। जानती हो बेटा तुम हमारी जान हो। अल्लाह ना करे अगर तुम्हें कुछ हो गया तो जीते जी मर जाएंगे बेटा। अब अपनी बात करें अम्मी, अब्बू से तो मुझे कोई तवक्को नहीं, मैं तो सिर्फ अपने भाई का घर नजर आते हैं, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। अच्छा आप मुझे बताएं, आपने ताई अम्मी फरमान भाई सबको कह दिया है ना कि यहाँ कोई ना आए? जब हालात ठीक हो जाएंगे, सब बेहतर हो जाएगा तो मैं खुद बुला लूंगी। क्या हुआ अम्मी, आपने कोई जवाब नहीं दिया? सब ठीक तो है ना, आप परेशान क्यों लग रही हैं? क्या बताऊं बेटा मैं तुम्हें, परेशानियां तो जैसे हमारे मुकद्दर में ही लिख दी गई हैं। ऊपर से आग लगाने वालों को ना एक मिनट चैन नहीं है। क्या मतलब, क्या हुआ अम्मी? मुझसे छुपाए नहीं, मुझे बताएं। तुम्हारे अब्बू और ताया अदालत में नोटिस देने वाले हैं। अदालत में दरख्वास्त? किस किस्म की दरख्वास्त? उनका कहना है कि वकार और उसके घर वालों ने ना तुम्हें हब से बेजा में रखा हुआ है और तुम वहां रहना नहीं चाहती। उन्होंने जबरदस्ती डरा धमका के तुम्हें वहां रखा हुआ है। अम्मी ये आप क्या कह रही हैं? अम्मी खुदा के लिए ऐसा मत होने दीजिएगा, ऐसे तो मेरा घर बसने से पहले उजड़ जाएगा। अम्मी आपको कुछ भी करके अब्बू को रोकना है, आपने मेरी खातिर अपनी बेटी की खातिर रोकना होगा आपको अब्बू को। अच्छा तुम परेशान नहीं? मैं तुम्हारे अब्बू से बात करूंगी, हालांकि मर्दों का मिजाज ना बहुत अजीब सा होता है बेटा, पता नहीं मेरी बात माने या ना माने। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगी तुम्हारे अब्बू को रोकने की।